हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं आलू और मेथी की सब्जी। तो फिर चले इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहां पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो आप डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा फ्राई हो जाने के बाद डाल देंगे लहसुन। आप देख सकते हो कि लहसुन को मैंने क्रश करके डाला है। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसे कुछ ही सेकंड्स के लिए हम फ्राई करेंगे। उसके बाद डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने 2 मीडियम का रखा है। अब इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे आलू। आलू मैंने 3 मीडियम साइज का रखा है। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। यहाँ पे आलू फ्राई होने के साथ साथ प्याज और लहसुन भी फ्राई हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो सारे को ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। अब इसके ऊपर नमक डाल देंगे ताकि आलू पकने में आसान हो। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटाया है। इसे थोड़ा चला देंगे। यहाँ पे आलू पूरी तरीके से बॉईल नहीं हुआ है तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। पहले डाल देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च, डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब ये सारे को डालने के बाद अब ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला नीचे से ना चिपके। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे वापस ढककर आलू को मसाले के साथ कुछ टाइम पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया है। अब इसे हम थोड़ा सा चला देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलू पक चुकी है। अब इसी टाइम हम ऐड कर देंगे मेथी। मेथी मैंने 400 ग्राम की लिया है। मेथी को पहले वॉश करने के बाद उसके बाद कटिंग करें। अब इसमें थोड़ा सा खटास लाने के लिए डाला है मैंने 1 बड़ा साइज टमाटर। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मेथी को पकने के लिए कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटाया है। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आलू और मेथी सारे पक चुकी है। अब इसी टाइम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ताकि सब्जी का स्वाद थोड़ा एनहांस हो जाए। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारा आलू और मेथी की सब्जी बनके तैयार। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।